फ्रेंड्स, सरकार जो है वो कई चीजों पर टैक्स लगाती चली जा रही है, फीस लगाती चली जा रही है, चार्जेस लगाते चले जा रही है। तो अभी तक जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि डिजिटल पेमेंट जो हम लोग करते थे, तो डिजिटल पेमेंट पर अभी तक कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा था, कुछ जगहों पर छोड़ करके। सबसे ज्यादा हम लोग प्रयोग करते हैं ट्रांजेक्शन्स के लिए, जो छोटे छोटे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनके लिए यूपीआई पेमेंट का। और यूपीआई पेमेंट के लिए बहुत सारे इंटरफेस हैं जिनके माध्यम से हम लोग अपने पेमेंट को करते हैं, ट्रांजेक्शन्स को करते हैं। सरकार को अब लगने लगा है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं, क्यों ना सभी तरह के ट्रांजेक्शन्स पर कुछ ना कुछ चार्ज अवश्य लिया जाए, और क्यों ना लिया जाए इसकी भी संभावना नहीं दिखाई पड़ रही है। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि सरकार किस तरह से इन चीजों पर चार्जेस लगाने के बारे में विचार कर रही है और किस तरह से लगाने की योजना है, किन किन चीजों पर लगेगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, जिससे आपको सारी चीजें समझ आ सके। तो आइए देखते हैं सरकार की क्या मंशा है। आम आदमी का एक नया टेंशन शुरू होने वाला है और उसके लिए यूपीआई पेमेंट से संबंध रखता है, और उसमें आरबीआई अपना क्या प्रस्ताव लेकर के आया है वो भी देखते हैं। हर पेमेंट के लिए यूपीआई का उपयोग करते हैं, तो अब आप हो जाइए सावधान, क्योंकि जो लोग मैक्सिमम यूपीआई का प्रयोग कर रहे हैं, चाहे वो भीम ऐप करते हो, गूगल पे करते हो, या कोई भी और पेटीएम वगैरह करते हो, किसी भी संबंध से करते हो, उन सभी के लिए ये एक जरूरी सूचना है। आरबीआई का नया प्रस्ताव है, क्या प्रस्ताव है, कि जो भी यूपीआई का उपयोग करते हैं उनके प्रत्येक लेन देन पर कुछ ना कुछ शुल्क वसूला जाए। शुल्क कितना होना चाहिए, कैसे वसूला जाना चाहिए, इस विषय में भी बात करते हैं। अब इनका कहना है कि यूपीआई का जो सिस्टम है वो भारत में काफी हिट रहा है, बहुत सारे लोग अब यूपीआई का प्रयोग करने लगे हैं। कार्ड पेमेंट के विकल्प और डिजिटल पेमेंट के लिए एक अन्य विकल्प के रूप में लॉन्च किया गया था यूपीआई को, जो कि भारत में भी उपलब्ध है और भारत के बाहर भी उपलब्ध है। तो अब उसके जो प्रोसेस हैं वो तेजी से निपटाए जा रहे हैं, उसमें सफलता भी मिली है, और इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि इतनी ज्यादा मात्रा में लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि इस पर कोई भी शुल्क अभी नहीं लगता है, यानी कोई भी चार्जेज इसमें नहीं देना पड़ रहा है, इसलिए भी इसकी संख्या ज्यादा तेजी से बढ़ी है। और आरबीआई अब इस संबंध में अब ये लेकर के आ रही है कि इस पर कुछ ना कुछ शुल्क वसूला जाना चाहिए। कितना होना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए, यूपीआई को फंड ट्रांसफर के लिए आईएमपीएस के समान शुल्क देना चाहिए। आरबीआई ये कहने जा रही है कि अब जो भी यूपीआई पेमेंट या ट्रांजेक्शन किए जाएंगे उनके ऊपर जो शुल्क हो वो आईएमपीएस की तरह से हो। जब अभी भी हम आईएमपीएस करते हैं तो बैंक उसमें चार्जेस लेता है, उसी के अनुसार ट्रांजेक्शन चार्ज भी होने चाहिए। तो इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। अब इसमें देखिए क्या है, जानिए आरबीआई ने अपने प्रस्ताव में क्या सुझाव दिया है, उस सुझाव को भी देख लेते हैं। आरबीआई ने सुझाव दिया है कि यूपीआई पेमेंट पर अलग अलग राशि के ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जा सकता है। मतलब यह है कि सभी पर समान दर से कोई ट्रांजेक्शन चार्ज न लगाया जाए, उसके लिए अलग अलग राशि के ब्रैकेट बनाए जाएं और उस ब्रैकेट के आधार पर एक टियर चार्ज लगाया जाए। यानी अगर 100 रुपए ट्रांसफर करते हैं, 1000 करते हैं, 5000 करते हैं, 10000 करते हैं, इस हिसाब से कुछ सिस्टम बनाने का आरबीआई का सुझाव है। इस तरह से एक ब्रैकेट बनाया जाए और उस ब्रैकेट के हिसाब से चार्जेस रखे जाएं, जो कि यूपीआई पेमेंट में ट्रांजेक्शन चार्ज के रूप में वसूल किया जाए। केंद्रीय बैंक के अनुसार यूपीआई एक फंड ट्रांसफर सिस्टम है जो फंड के रियल टाइम मूवमेंट को सक्षम बनाता है। एक मर्चेंट पेमेंट सिस्टम के रूप में कार्ड के लिए T+N चक्र के विपरीत रियल टाइम में फंड सेटलमेंट की सुविधा प्रदान करता है। भाग लेने वाले बैंकों के बीच यह एक समझौता है, एक आस्थगित नेट बेसिस पर किया जाता है, जिसके लिए पीएसओ की आवश्यकता होती है। अब देखिए सर क्या कह रही है आरबीआई, मुफ्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता। क्यों प्रतीत नहीं होता है,
दूसरे शब्दों में बैंकों को निपटान जोखिम से निपटने के लिए पीएसओ की सुविधा के लिए पर्याप्त सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता है, इसलिए बैंकों के बहुत सारे निवेश और संसाधनों का उपयोग करता है जिससे अतिरिक्त लागतें आती हैं, आरबीआई इसे ग्राहकों से वसूल करना चाहता है। तो सरकार का कहना यह है, यानी आरबीआई का कहना यह है कि जो बैंकें हैं वो जो ये सिस्टम अडॉप्ट कर रही हैं यूपीआई सिस्टम का, उसके लिए उनको बहुत सारा निवेश भी करना पड़ता है और उनको अपने संसाधनों का उपयोग भी करना पड़ता है, इसलिए क्यों ना ये जो चार्जेज आ रहे हैं वो ग्राहकों से वसूल किए जाएं, क्योंकि उनके ऊपर भी तो ये लागत आती है। जब लागत आती है तो इसको किससे वसूला जाएगा, यानी ग्राहकों से ही वसूल करने की बात आरबीआई कर रहा है। मुफ्त सेवा के लिए कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता जब तक कि जनता की भलाई और राष्ट्र के कल्याण के लिए बुनियादी ढांचे के समर्पण का कोई तत्व ना हो। यानी इनका कहना है कि जो पहले इस पे चार्जेस नहीं लगाए गए थे उनके कई कारण थे कि इसमें ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर पाए, डिजिटल पेमेंट सिस्टम को बढ़ावा मिले और कोरोना काल में इसका बेहतर उपयोग हो सके, इसलिए इस पर कोई चार्ज नहीं लगाया गया था। अब आरबीआई को लगता है कि पर्याप्त मात्रा में डिजिटल ट्रांजैक्शंस होने लग गए हैं, इसलिए अब इस पर कोई छूट देना उचित नहीं है, यानी कि इस पर कोई न कोई चार्ज अवश्य लगाया जाना चाहिए। अब इसके बाद देखते हैं, ये डेबिट कार्ड के लेन देन पर भी शुल्क लेना चाहते हैं क्यों, लेकिन उन लागतों को कौन वहन करेगा, ये आरबीआई पेपर के माध्यम से जानना चाहता है। अप्रत्यक्ष रूप से संकेत देता है कि सभी को लागत वहन करनी चाहिए। आरबीआई ने अपने पेपर में कहा, लेकिन इस तरह के बुनियादी ढांचे की स्थापना और संचालन की लागत किसे वहन करनी चाहिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि पेपर पूरे पेमेंट सिस्टम की स्थापना पर खर्च की गई लागत की वसूली के बारे में बात करता है। यानी अब जो इस पर खर्चा आ रहा है डेबिट कार्ड के लेन देन पर भी, डेबिट कार्ड के माध्यम से भी जो ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं उनमें भी अभी ज्यादातर वर्तमान में मुफ्त हैं, यानी कि आरबीआई चाहता है कि उस पर भी जो एक्सपेंसेस आते हैं उनको ग्राहकों से ही वसूल किया जाए। यानी आरबीआई डेबिट कार्ड लेन देन पर भी एक निश्चित शुल्क लेना चाहता है जो कि वर्तमान में मुफ्त है। तो अब आप सावधान हो जाइए, डिजिटल पेमेंट पर आपको निकट भविष्य में चार्जेस देने पड़ सकते हैं। इसी के साथ आपसे एक रिक्वेस्ट कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे हमारे अपलोड होने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। इसके अलावा अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। थैंक यू।